दोस्तों वैसे तो हम सभी ने सांपों को जमीन पर रेंगते हुए कई बार देखा है, लेकिन रहीम दास जी ने एक बार कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात इस दोहे के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि चंदन के पेड़ पर चारों ओर विषैले सांप लिपटे होने के बावजूद भी चंदन की शीतलता कम नहीं होती। लेकिन क्या सांप केवल चंदन के पेड़ पर ही लिपटे रहते हैं, या चंदन के अलावा और कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सांप को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ये पेड़ पौधे अपनी खुशबू या अपने फूलों और किस चीज से सांपों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? क्या आप जानते हैं इन पौधों के नाम, और कहीं अनजाने में आपने अपने घर या बगीचे में इनमें से कोई पौधा नहीं लगा रखा है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं, जिससे आपको सांपों के रहन सहन के अलावा गार्डनिंग और वनस्पति विज्ञान के बारे में भी बहुत सी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो इन्हीं बहुमूल्य जानकारियों को अर्जित करने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनोखे वीडियो को। सैंडल ट्री। सबसे पहले बात करते हैं चंदन के ही पेड़ की, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल पूजा पाठ और फेस पैक के लिए भी होता है। चंदन का पेड़ सांपों का पसंदीदा पेड़ माना जाता है, और इसके चारों तरफ बड़ी संख्या में सांप लिपटे हुए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा चंदन का पेड़ बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसकी तस्करी के कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और बाकी लाल चंदन के पेड़ पर तो एक पूरी की पूरी पिक्चर भी बन चुकी है। चंदन के पेड़ काफी लंबे होते हैं, जो लगभग 18 से लेकर 20 मीटर तक ऊंचे उग सकते हैं, और एक पेड़ से लगभग 15 से 20 किलो लकड़ी आराम से मिल जाती है। चंदन की एक खास विशेषता ये भी होती है कि उसकी खुशबू काफी दूर तक फैलती है, और ये खुशबू इतनी दिव्य और इतनी मनमोहक होती है कि इसकी खुशबू से ही मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। चंदन की लकड़ी जब धीरे धीरे पकने लगती है तो उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है, और चंदन का पेड़ जितना पुराना होता जाएगा ये उतना ही खुशबूदार और वजनदार भी होता जाएगा। लेकिन रहीम दास ने अपने दोहे के लिए चंदन के पेड़ को ही क्यों चुना था, या यूं कहा जाए कि सांपों को चंदन का पेड़ ही इतना क्यों पसंद होता है, इसके बारे में शायद आपको किसी ने बारीकी से नहीं बताया होगा। तो चलिए ये काम भी हम ही कर देते हैं। दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी ऐसे जानवर जिनका खून ठंडा होता है, और इस प्रकार के जानवरों को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे जीव हमेशा ठंडी जगहों की तलाश में रहते हैं और ठंडी जगह को ही अपना ठिकाना बनाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंदन की लकड़ी बहुत ही ज्यादा खुशबू और ठंडक प्रदान करती है, बस इसलिए सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। ये सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि सांपों के सूंघने की शक्ति भी बहुत ही तेज होती है। और आपको बता दें कि सांप केवल अपनी नाक से ही नहीं, बल्कि अपनी जीभ से भी सूंघते हैं, इसलिए जब सांप अपनी जीभ को बाहर निकाल कर हिलाते हैं तो हम सभी को यही लगता है कि वो काटने वाला है, लेकिन दरअसल हकीकत में वो अपने आसपास सूंघने की कोशिश करता है। सांप काफी दूर से ही चंदन के पेड़ को सूंघ कर उसकी ठंडक पाने के लिए आकर्षित होकर उसकी ओर चले आते हैं, और जैसे ही उनकी तलाश पूरी होती है तो वो तत्काल इससे लिपट जाता है। ताड़ का पेड़। ये पेड़ अपनी लंबाई के लिए इतना मशहूर है कि लंबाई बढ़ाने वाले योगासन का नाम तक इस पेड़ के ऊपर रख दिया गया था। आप सभी ने ताड़ के पेड़ों को तो जरूर ही देखा होगा। ताड़ के पेड़ लगभग हर गांव में पाए जाते हैं, और शहरों में भी ये पेड़ डेकोरेशन के लिए बगीचे में या सड़क के किनारों पर लगाए जाते हैं। ताड़ के पेड़ों की लंबाई 40 से लेकर 45 मीटर तक की होती है, और इस ऊंचाई की वजह से ये ताड़ के पेड़ फ्लाइंग स्नेक की पसंदीदा जगह भी होती है। ये उड़ने वाले सांप इन लंबे लंबे ताड़ के पेड़ों पर ऊंचाई पर बैठकर वहां आने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर मजे में अपना जीवन जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि उड़ने वाले सांप अपने जीवन का अधिकांश समय इन्हीं ताड़ के पेड़ों पर बिता देते हैं। इनकी उम्र भी काफी लंबी होती है, क्योंकि ये 70 से 80 साल तक हरे भरे रहते हैं। ताड़ के पेड़ भारत के अलावा अमेरिका और जापान में भी पाए जाते हैं, लेकिन अफसोस हर साल भारत में इनकी संख्या कम होती जा रही है, जो वास्तविकता में काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है। रात रानी। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस फूल को तो आप सभी पहचानते ही हैं, क्योंकि हम अपने आसपास इन फूलों को कई बार देख चुके हैं। जी हाँ, ये रात रानी या चांदनी का फूल है। इस पेड़ में दिन के समय में नहीं, बल्कि रात के समय में फूल खिलते हैं, और फूल के अलावा इस पेड़ में छोटे छोटे फल भी लगते हैं, और इसकी खुशबू इतनी ज्यादा मादक होती है कि सभी कीट पतंगे, मेंढक, छिपकली इसकी फूल की खुशबू से आकर्षित होकर इसके आसपास चले आते हैं। और बस इसी बात का फायदा उठाकर सांप इस पौधे के आसपास आकर न सिर्फ उन जानवरों का शिकार करता है, बल्कि एक बेहतरीन रात भी वहाँ चैन से काटता है। लैंटाना प्लांट्स। इन रंग बिरंगे फूलों को हमने कई फिल्मों में देखा है, जिनकी लंबाई लगभग 10 इंच के आसपास होती है, और ये भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इन फूलों की खुशबू बेहद आकर्षक होती है। ये पौधे ठंडे पौधों की श्रेणी में आते हैं, और ठंडे पौधों के आसपास कई सारे कीड़े मकोड़े भी आराम करते हैं, और सांप भी हर समय ठंडी जगह ही खोजते हैं। इसी कारण अपने भोजन और ठंडक की तलाश में सांप इस पौधे के आसपास चले आते हैं। जहाँ एक ओर ये पौधे अत्यंत ठंडे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन पौधों की एक खतरनाक विशेषता भी होती है। लैंटाना प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के लिए भी खतरा साबित होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय जंगलों में अन्य पौधों को इन फूलों से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भला इतने रंग बिरंगे और खूबसूरत खुशबूदार फूलों से पूरे भारत के जंगलों को क्या खतरा हो सकता है? तो दरअसल बात यह है कि इन फूलों को आज से लगभग 200 साल पहले भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सजावट के इस्तेमाल के लिए अंग्रेज इन फूलों को यहाँ पर लेकर आए थे। आज उस समय के आए वो फूल जंगलों के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि लैंटाना के ये पौधे जहाँ भी उगते हैं उसके आसपास की हरी जमीन बंजर हो जाती है।
यहाँ तक कि वहाँ पर घास तक भी नहीं उग पाती है, और अगर कोई पौधा दोबारा से लगाया भी जाता है तो वो भी मुरझा जाता है, क्योंकि जमीन को बंजर कर देने के अलावा ये एक जहरीला पौधा भी है। इसलिए भूल से भी अगर कोई जानवर इन पौधों को खा लेता है तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अक्सर खाली जगह में या रोड के किनारे हमें इस तरह के फूल दिख जाते हैं और हम इन्हें भी अपने घर में लगाने का विचार करने लगते हैं। तो कहीं आपने भी तो गलती से इन पौधों को अपने बगीचों में नहीं लगा लिया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा बगीचा ही सूख जाए। रोजमेरी प्लांट। रोजमेरी प्लांट को हिंदी में गुल मेहंदी का पौधा भी कहते हैं। भारत में इन पौधों की खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी ठंडी जगहों में होती है। खुशबू के मामले में ये पौधे भी किसी से कम नहीं है। गुल मेहंदी के पौधे जहाँ पर भी होते हैं उस जगह से काफी दूर तक ये अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। इस पौधे की पत्तियाँ सामान्य पत्तों की तरह न होकर लंबे आकार की सुई जैसी नुकीली होती है और इनकी जड़ें हल्के सफेद रंग की होती है। इस पौधे के आसपास भी सांप पाए जाते हैं, इसलिए लोगों का मानना है कि इसकी खुशबू से आकर्षित होकर सांप यहाँ आते हैं, लेकिन आराम के साथ साथ उन्हें शिकार का पैकेज भी मिल जाता है, क्योंकि इस पौधे की खुशबू से आकर्षित होकर छोटे जीव जंतु जैसे गिलहरी, चूहे, खरगोश भी इसकी छांव में आकर आराम करते हैं, खेलते हैं, और यही वजह है कि जब सांप यहां आता है तो उसके लिए यहां पर भंडारा खुला रहता है। हालांकि इसके अलावा गुल मेहंदी का पौधा बहुत ही ज्यादा गुणवान भी होता है और इसलिए बाजार में इसका तेल काफी ज्यादा महंगा मिलता है। इसके तेल की कीमत 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति किलो होती है, यानी अगर आप सांप को झेल सके तो इसकी खेती आपको मालामाल बना सकती है। ट्यूबरोज प्लांट्स। आपने इन फूलों को डेकोरेशन और गिफ्ट में मिलने वाले बुके पर तो जरूर देखा होगा। ट्यूबरोज प्लांट्स को रजनीगंधा के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत लोगों का पसंदीदा फूल भी होता है। रजनीगंधा एक ऐसा सुंदर नाम है कि इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण बहुत से लोग अपनी बेटी का नाम भी रजनीगंधा पर रख देते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी पान मसाला कंपनी का नाम भी इसी के ऊपर डाल देते हैं। भले ही इस पौधे की शुरुआत भारत में ना होकर मेक्सिको से हुई थी, लेकिन आज भारत में ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इन पौधों की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। इन पौधों में बहुत ही गजब की खुशबू होती है और इसलिए इन पर तितलियां और अन्य कीड़े मकोड़े मंडराया करते हैं। हालांकि अभी तक वीडियो में हमने जितने भी पेड़ पौधों के बारे में बताया है उन सभी की तासीर ठंडी होती है और सांप ठंडी जगह पर ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन रजनीगंधा के फूलों के पास सांप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर इन्हें बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। आज भारत के हर दूसरे तीसरे घर में रजनीगंधा के फूल देखने को मिल जाते हैं और लोग इन्हें अपने बगीचे में लगाकर बगीचे की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा इस वक्त आपके बगीचे में या आसपास के किसी भी बगीचे में मौजूद है, हमें नीचे कमेंट करके उस पौधे का नाम जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।